दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत विश्व कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की हार का साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने उड़ाया जमकर मजाक और अफ्रीका की सामने टीम इंडिया 5 विकेट से हार गई, जिसके मजे लेते हुए एबी डिविलियर्स से लेकर हाशिम अमला, जैक कैलिस जैसे महान खिलाड़ियों ने जो बयान दिए हैं उसे सुनकर हर एक भारतीय गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। अफ्रीका के इन महान खिलाड़ियों का टीम इंडिया का इस तरीके से मजाक उड़ाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो आखिरकार इन दिग्गजों ने क्या कह दिया अपने इस बयान में, जिसके बाद इतना बवाल मचा हुआ है, उसका वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 133 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत में काफी ज्यादा बेकार रही उनकी भी। एक वक्त पर दक्षिण अफ्रीका ने 24 रन पर 3 विकेट गवा दिए थे। इसके बाद मार्क्रम और मिलर ने 76 रन की साझेदारी निभाई और मैच पलट गया। मार्क्रम ने आउट होने के बाद मिलर ने दक्षिण अफ्रीका को जिता दिया और जिता कर ही दम लिया। आपको बता दें कि वो आखिरी तक मैदान में जमे रहे। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। भुवनेश्वर कुमार ने आपको बता दें कि ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके खा लिए और दक्षिण अफ्रीका की टीम को मिलर ने जिता दिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए और इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ग्रुप 2 में पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई। तो वहीं इस हार के बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने भारतीय टीम का जमकर मजाक उड़ाया, जिसमें जैक कैलिस ने बयान देते हुए कहा कि आज भारतीय टीम को उसकी असली औकात हमने दिखा दी है। हमने पहले ही कहा था कि हमारी साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप की अलग तैयारियां करके आई है और वर्ल्ड कप को भारतीय टीम किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए यह भी कहा कि हमने भारतीय टीम को पहले ही चेतावनी दी थी कि आप सीरीज में तो जीत चुके हैं लेकिन वर्ल्ड कप में आपको जरूर हार मिलेगी। और इस हार के बाद भारतीय टीम को आज उसकी असली औकात का पता चल चुका है और हमें भी ज्यादा खुशी है कि हम भारत से जीत चुके हैं। इसके अलावा हाशिम अमला ने अपना बयान देते हुए कहा कि आज हमें यकीन हो गया कि हमारी साउथ अफ्रीका की टीम दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम कभी किसी को दिखाती नहीं है लेकिन वास्तव में साउथ अफ्रीका सबसे बेहतर टीम है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए T20 की नंबर 1 टीम भारत को कतई नहीं माना। जब भारत की टीम किसी दूसरी टीम को हरा ही नहीं सकती है तो उसका पहला नंबर रहना ज्यादा खराब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय टीम जल्द ही वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाएगी। तो वहीं डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम वास्तव में बेहतर टीम है लेकिन आज असलियत में इस बात की गारंटी हो चुकी है कि हमारी साउथ अफ्रीका की टीम दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है। हालांकि रैंकिंग्स में वो नहीं है परंतु उनका प्रदर्शन नंबर 1 टीम का है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से खिलाड़ियों का खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिलता है लेकिन आज भारत को उसकी असली औकात दिखा दी गई है और इसी तरीके से हम भारत को आगे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हरा देंगे और उसकी असली औकात भी हम बहुत ही जल्द एक बार फिर से दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम को मिली हार के सबसे बड़े कारण कौन से रहे, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।